महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में शरद पवार की भतीजे अजीत पवार के साथ हुई मुलाकात खूब सुर्खियां बटोर रही है। मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ गई है। इस सीक्रेट मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसा दावा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि अजीत पवार ने शरद पवार के साथ अपनी सीक्रेट मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को समर्थन देने के लिए दो खास ऑफर पेश किए हैं। इसके तहत शरद पवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा। वहीं सुप्रिया सूले और जयंत पाटिल को केंद्र और राज्य सरकार में जगह दी जाएगी। हालांकि इन दावों को एनसीपी की ओर से गलत करार दिया जा चुका है। खुद शरद पवार ने साफ किया है कि मेरी और अजीत पवार की मुलाकात सीक्रेट नहीं थी। अजीत मेरा भतीजा है और मैं अपनी फैमिली का सबसे सीनियर मेंबर हूं। यही वजह है कि हम दोनों ने मुलाकात की। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। कुछ शुभचिंतक उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। हम में से कुछ लोगों ने अलग रुख अपनाया है। अब हमारे कुछ शुभचिंतक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी सीक्रेट मीटिंग पर नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें ऐसी गुप्त बैठकें स्वीकार नहीं है। ये उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस मीटिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया। पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया। 60 साल से भी ज्यादा उम्र पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका तो कद अवधाय बहुत बड़ा है। तो अजीत पवार, सचिन मिश्री, जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर दें, ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? बहरहाल ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र सरकार को अचानक अपना समर्थन देकर डिप्टी सीएम बने अजीत पवार क्या अपने चाचा को भी एनडीए का सहयोगी बनाने में सफल रहेंगे, या फिर शरद पवार अपने स्टैंड पर अडिग रहते हुए भतीजे अजीत को सियासी गच्चा देने में कामयाब रहेंगे।